कितनी है? नौ। बहुत बढ़िया। पारो आई जाए फिर है ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वाई भंडारी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूं। तो आज लेके आया एक नया ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। तो हम आ रखे हैं 5 दिन की ट्रेनिंग के लिए IHBT हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर। तो फ्रेंड्स बने रही है ब्लॉग में। तो पेंट वगैरह में जो ऑयल यूज करते हैं उसके काम आता है, उसका ऑयल निकलता है। ठीक है, ये है असली केसर, कश्मीरी केसर भी बोलते हैं इसको। इसका पौधा इतना ही होता है, इसमें फूल गंडू होता है, जो बीज है इसका गंडू की तरह होता है, जैसे प्याज या उसकी तरह आप समझो। तो 10-12 ग्राम का वो गंडू वो होता है, और उसको 10 से 15 सेंटीमीटर डेप्थ में डालते हैं। तो उसके बाद इमिडिएटली आपका 25-30 दिनों में फ्लावर आ जाता है। फ्लावर का भी जो फीमेल पार्ट होता है, स्टिग्मा जिसको बोलते हैं, रेड कलर का थ्रेड की तरह होता है, वो असली केसर है, वही केसर है, उसका उत्पाद ही वही है बस, धागे की तरह स्टिग्मा। और जो आप बात करें स्लैफ सैफ फ्लावर, वो अडल्ट्रेशन के लिए, यानी कि मिलावट के लिए उसको यूज करते हैं कई लोगों, जिनको नहीं पता है वो बिलासपुर में, बिलासपुर में वो सैफ फ्लावर है, वो केसर नहीं है वो। ये वैसे तो पेरिनियल फसल है, जैसे आपके हमारा इंडिया में जो है आपका पुलवामा या किश्तवाड़ या कश्मीर वाले इलाके में होता है। हाँ, ठंडे इलाकों में होगा ये, इसको ठंडक चाहिए थोड़ी और बारिश कम होनी चाहिए, ड्राई कूल एवं ड्राई टाइप की क्लाइमेट चाहिए, मिट्टी सैंडी लोम टाइप की और कैलकेरियस हो, ऑर्गेनिक मैटर में काफी हो, यानी कि देसी खाद वगैरह अच्छी तरह डालनी पड़ेगी। बिजाई जो होगी सितंबर अक्टूबर में, बरसात खत्म होने के बाद, मिड सितंबर के बाद या लास्ट वीक जो है सितंबर या प्रथम वीक जो है अक्टूबर का, उसमें इसकी बिजाई करते हैं। पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, मेन इसमें यही है, और बर्फ वगैरह पड़े तो अच्छी बात है, बर्फ वगैरह पड़ती 2-3 महीने के लिए अगर बर्फ पड़ती हो तो वो इलाका है। यहाँ हिमाचल में हम कर रहे हैं कुछ लोकेशन, जैसे किसी आपका किन्नौर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ हम कर रहे हैं, आपका ब्रोट में भी कर रहे हैं, एक नया गाँव, नया कौन सा नलोता, एक ब्रोट से आगे गाँव है मुल्तान, सीर मुल्तान है, कांगड़ा में पड़ता है। तो वहाँ पर हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ लगाया कुछ किसान, अभी हम इसको डेमोन्स्ट्रेशन मतलब स्मॉल स्केल में कर रहे हैं कि कौन सा एरिया सूटेबल होगा। तो ये केसर है, ये जिरेनियम में, ये भी एसेंशियल ऑयल की ऑयल बियरिंग प्लांट है, जिसके फूलों में और पत्तों में तेल होता है। इसको मस्क के देखो जरा, जो परफ्यूम आप यूज करते हैं ना, केसर इसमें लगेगा कुछ, ये मस्क के देखो, वैसे मस्क मस्क लो, बस मस्क लो, इसको तेल इसमें होगा ना, इसमें खुशबू है। ये भी आपका जो इलाका जहाँ बारिश कम होती हो और 800-900 से 1500-1215 मीटर की हाइट के इलाके हैं, तो वहाँ पर ये जिरेनियम भी हो जाता है। और ये भी आपका घास की तरह, कि आपने एक बार लगा देना पौधा और साल में 2-3 कट आते हैं इसके, ये सारा काट देना आपने बायोमास और फिर यूनिट में डाल देना। तो जितने भी आपके हाई ग्रेड के परफ्यूम है उसने इस्तेमाल होता है। इसकी कीमत भी अच्छी है, इसकी कीमत जो है आपका 10 से 12 हजार रुपये प्रति किलो, और आपका जो 12.5 बीघा में कम से कम 30 की किलो तेल जो है निकल जाता है। हाँ, 30 तेल 15 साल तक आप इसे काटते रहेंगे। और ना बेल नहीं है, ये झाड़ी बनता है, बुश चाहिए। हाँ, बट इसमें दिक्कत ये है कि ज्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए उस इलाके में। ठीक है, पालमपुर जैसे बारिश ज्यादा, तो इसलिए हमने, ये मदर प्लांट है यानी कि इनसे हम पौधे तैयार करते हैं, तो इसलिए हमने प्रोटेक्टेड उसमें रखा, और पालमपुर सूटेबल नहीं है इसके लिए, बारिश ज्यादा है। जो आपका 1200-1500 मीटर का इलाका बारिश कम होती हो, तो वो इलाका ड्राई टाइप की जो क्लाइमेट है वहां के लिए सूटेबल है। और इसके जो फ्रेश लीव्स हैं वो भी बिक जाते हैं, जैसे हम धनिया वगैरह खाते हैं तो 5-स्टार होटल या बड़े बड़े होटलों में डिमांड रहती है इसकी, और जो इसका तेल है उसकी भी डिमांड रहती है। और इसकी औषधीय गुण है, जैसे आपके सीकरी वगैरह बढ़ जाती है बालों में, तो ऑयल में उसमें इस्तेमाल किया जाता है, वो आपका मसाज में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मसाज करनी है, बॉडी मसाज करनी है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं बहुत सारे, मतलब इसके औषधीय गुण है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसका तेल भी काफी, हाँ, इसका तेल जो 3 से 4 हजार रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक जाता है, 4 से 5 हजार, और 12.5 बीघा में आपका कम से कम 80 से 100 किलो तेल जो है 12.5 बीघा में आपका, हाँ, तो 12.5 बीघा में। और ये भी आपका जंगली जानवर इसको नहीं खाते हैं, जो बेकार जमीन पड़ी हुई है, बेकार जहाँ घास भूस निकल रहा है, आपकी कम्युनिटी लैंड है, वहां पर आप इस तरह की फसलें लगाते हैं, इसी तो अरोमा तरह की खुशबू आती रहेगी, और दूसरा आप इसको खा भी सकते हैं, फ्रेश भी खा सकते हैं। एक और ऐसा जो हमारे इलाके में होता है, उसको बोलते हैं बोटनी नेम, उसका हाइपेरिकम, हाइपेरिकम भी है हमारे पास,
हाइपेरिकम जो है ना हाइपरटेंशन के लिए, जिनको टेंशन ज्यादा होती है या स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, तो वो हाइपेरिकम भी बहुत पीला जैसा फूल निकलता है उससे, पीला फूल, ठीक है, तो उसकी बड़ी डिमांड है। अच्छा, हाँ, उसके फूलों की काफी डिमांड है यहाँ। जी बहुत, हाँ, बहुत अच्छा ना। तो इसका जो फूल निकलता है ना उसकी डिमांड रहती है। यहाँ पर एक इंडस्ट्री है आपके नगरोटा में, आयुष हर्ब करके, वो उसका परचेज कर लेते। एक तो हमारा लोकल था ना जी, फिर वो कंपनी आई थी, उसने लाया हाइपेरिकम, फिर तो थोड़े साल, दो चार साल लोगों ने, उसका सीड आया हमारे पास, हम कर रहे हैं अभी सोइंग करेंगे। तो ये हाइपेरिकम है जो आप बात कर रहे हैं। अच्छा, चलो आगे। हमारे बगीचे वगैरह हैं, तो बगीचे वगैरह में के लिए ये बढ़िया, जहाँ शेड छाया रहती है, नीचे जो लगा हुआ है बुश वाला, ये नीचे नहीं लगा, नीचे है, बुश जड़ों में होती है, हो जाता है आदमी, मतलब नींद नहीं आती, तो उन बीमारियों में प्रयोग में लाते हैं इसको, बुश वाला जो जटा मारा, दो साल, दो तीन साल की क्रॉप है, और इसमें जो पैदावार आएगी जड़ों में, वो जड़े जो दो साल के बाद अच्छी बनती है, बीज गिरता रहेगा और ये चलता रहेगा। जंगलों में होता है अदरवाइज, आप जंगल में कहीं गए होंगे, ये नीचे वाला जो जटामांस मुश्क वाला बोलते हैं इसको, ये आपका ओरिगेनो, ओरिगेनो है ये, जैसे आप पिज्जा वगैरह यूज करते हैं उसमें आप ओरिगेनो की ड्रेसिंग करते हैं, और आप या तो रोटियां वगैरह बनाते हैं उसमें खुशबू के लिए, ये सारी हर्ब्स हैं, थाई फूड में यूज होता है, थाई फूड में जितने भी आपके। ये मार्जोरम है, ये भी आपका, ये खुशबू हर्ब, ये हर्ब स्पीसी में आता है, ये भी आपका खाने वाली चीजों में इस्तेमाल करते हैं, बहुत चीजें हैं, गमले में इस्तेमाल की जाती है, बेकार की चीजों में, हाँ, बहुत सारे पत्थर चट्टा भी है ना, सप्पड़ में, सप्पड़ वगैरह जो होता है आपका, जहाँ पानी निकलता रहता है, अगर रोहतांग वगैरह जाएंगे तो वहाँ पत्थरों में आपके लगे, ये बढ़ाती है और मेमोरी ये असली ब्रह्मी ये बेकोपा मेनेराई बोलते हैं इसको, बेकोपा मेनेराई, और इसमें बेकोसाइड्स होते हैं जो कि कंपाउंड होते हैं, जो कि मेमोरी, आपकी मेमोरी रिटेनिंग पावर को, याददाश्त को बचा के रखते हैं, और मेमोरी रिटेनिंग पावर को बढ़ाते हैं, याददाश्त को बढ़ाते हैं, बट ये आपका पानी वाला इलाका जो है, जैसे धानी जमीन है वहां पर ये ठीक होगी, आपकी जहाँ कोई नाली है, नाली के ऊपर जो भीड़ वगैरह होती है वहां पर आप लगा सकते हैं, तो बड़ी अच्छी फैलती है, क्योंकि इसको पानी चाहिए होता है धान की तरह, ये सूखे में नहीं होगी, और ये ऐसे चल पड़ती है, जूस निकाल, हाँ जूस निकाल सकते, अर्क निकाल सकते हैं, कड़वी होती है उसमें, आपको फिर शुगर वगैरह डालनी पड़ेगी। सर हमारे जो नाग छतरी होती है ना, हाँ हाँ, वो उसका क्या बॉटनी नेम क्या है, ट्रिलियम, अच्छा ट्रिलियम गोवानी, तो हमारे जंगलों में ऐसा हुआ कि तस्करों ने ना वो सारी, वैसे हमने कोशिश की, चाइना में कहते हैं बहुत महंगी है वो, मतलब स्ट्रेंथ के लिए या उसके लिए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो कमजोर आदमी है तो उनको दी जाती है, और एज ए स्टेटिव यूज करते हैं उसको, तो पीछे काफी डिमांड थी, काफी स्मगलिंग की, बहुत बहुत चंबा से हमारे जो कमल कमलनाग टेम्पल जो है ना, हाँ, उस धार में वहाँ बहुत ट्रिलियम गोवा नहीं, तीन पत्ते होते हैं उसके, तीन हमारे वहाँ होती है, इसका अर्क निकालना पड़ेगा आपको ना, चीनी डालनी पड़ेगी, काफी कड़वी होती है, किस काम की जो कामना है नाग छतरी में बैन क्यों है, क्योंकि वो लोग जो है निकाल रहे हैं ना, स्पीसीज खत्म हो रही है, इंडेंजर्ड कह रहे हैं, विलुप्त होने की कगार में, बिल्कुल बिल्कुल, और वो हमारे आयुर्वेदा सिस्टम में यूज नहीं होती है नाग छतरी, वो होती है चाइनीज सिस्टम जो है, चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेदा है ना, उसी तरह चाइना में चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, नहीं नहीं हाँ कर सकते हैं उसकी, हमारे पास एक प्रोजेक्ट था उसमें हमने की भी थी, लोगों के खेत में लगवाई, क्योंकि वो बहुत सारी स्मगलिंग, पर मेरा मानना है कि भी जितना हाइट हो इसके लिए, स्टीवियो देखा आपने, जी जी मैंने उड़ा है, नहीं बाकी ने देखा है, पत्ता खाया कभी, नहीं, मीठा होता है, मीठा पत्ता होता है बिल्कुल, जैसे डॉक्टर मना करते हैं कि आपको शुगर होगी आपने नहीं खाना, तो ये शुगर को चेक करता है, कंट्रोल, मतलब वो बढ़ने नहीं देगा उसको, ये नहीं कि मेडिसिन नहीं है ये, बट शुगर का अल्टरनेट है,
मीठे का अल्टरनेट है, ठीक है। तो ये आप अपने घरों में गमलों में या वैसे उसमें लगा सकते हैं। फिर ये पौधा जो है ये भी पेरिनियल है, मतलब 4-5 साल तक आप इससे फसल ले सकते हैं। और इसमें फसल जो है मेन पत्ते ही है इसमें, आपने जैसे पत्ते हो जाते हैं कोई एक बार लगाने के मतलब 3 महीने के बाद इसके पत्ते स्टेम से आप इसको काट लो, पत्ते अलग कर लो, सुखा लो, हाँ, और उसका अर्क निकाल लो, या उसको जो सूखे पत्ते हैं उसको आप चीनी के बदले में चाय बनाओ, वो अल्टरनेटिव लेमैन की तरह यूज है लोकल घरों में। अदरवाइज इसके पत्ते बिक जाते हैं, पत्ते जो है 150 से 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकते हैं इसके ड्राई लीव जो है। उनसे फिर अर्क, उनसे अर्क निकाल करके फिर उसका एक व्हाइट पाउडर की तरह एक पदार्थ निकलता है जिसको हम स्टीविओग्लाइकोसाइड बोलते हैं, वो मशीनों में निकलता है। तो वो मेन इंडस्ट्री के लिए फिर वो यूज होता है। बट आप जैसे छोटे मझोले किसान है तो आप लेमैन के लिए घर में आप इसको पौधे लगा के पत्ते आप ड्राई कर लो और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे तो नंगे कर देते हैं लोग उनसे। हाँ जो बुरे यार